good morning children kaise hai aap lo? today we are going to learn more about water so let's start our session children take out your pink sunshine book and open to page number 5858 today we will be लर्निंग मोर अबाउट वॉटर ओके है वॉटर की उसमें क्या करना है हमें टिक करना है टिक राइट द थिंगस दैट गिव वॉटर हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जहां से हमें पानी मिलता है तो जो पिक्चर्स करेक्ट है वहां पे हमें राइट करना है ओके सो शेल वी स्टार्ट चिल्ड्रन ओके फर्स्ट पिक्चर है ये क्या है ये वेल well है आपने देखा है कभी वेल वेल मतलब कुआ उसमें पानी होता है।, ये बहुत ही होता, है। बहुत होता है और उसमें अंदर पानी होता है तो रस्सी से हमको खींच के पानी निकालना होता है रस्सी के साथ एक बकेट टाई की हुई होती है वो बकेट को अंदर वेल में डाल के उसे रस्सी को खींचना होता है तो ये बकेट में पानी भर के बाहर आएगा तो ये है वेल वेल से हमें पानी मिलता है हाँ। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऐसे सेकेंड पिक्चर है ट्रक का ट्रक से हमें पानी मिलता है नहीं ट्रक तो एक वेहीकल है तो उसके बाजू में हम क्रॉस करेंगे ऐसे थर्ड पिक्चर है रेन का बारिश आपको अच्छी लगती है ना हाँ, सभी को अच्छी लगती है तो बारिश से हमें क्या मिलता है पानी तो बारिश भी एक सोर्स है पानी का उसके बाजू में भी हम टिक करेंगे ऐसे देखो देखो इसे भी बारिश में मजा आ रहा है है ना चलो देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर है एक रोड का रोड से हमें पानी मिलता है नहीं रोड पे तो वेहीकल्स चलते हैं। तो इसके बाजू में भी हम करेंगे रॉन्ग ये तो रोड है इससे हमें पानी नहीं मिलता है ये क्या है ये तो है टैप का पिक्चर टैप मतलब नल आपके भी बाथरूम में है ना टैप बाथरूम में है किचन में है सब जगह टैप है तो टैप को यहां से खोलने से ये खुल जाता है और उसमें से हमें पानी मिलता है तो टैप के बाजू में भी हम करेंगे टिक मार्क ऐसे तो हमको पानी हमारा उसका काम खत्म हो जाए तो तुरंत ही टैप बंद कर देना है टैप को बिल्कुल भी खुला नहीं रखना है है ना तभी तो हम सेव कर पाएंगे वाटर और नेक्स्ट पिक्चर है, है हैंड पंप का ये देखा है आपने कभी ये एक हैंड पंप है ये है उसका हैंडल तो इसको हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेंगे तो यहां से पानी आएगा और हमें पानी मिलेगा तो ये भी है एक पानी का सोर्स इसके बाजू में भी हम करेंगे टिक मार्क ऐसे ओके चिल्ड्रन सो वी हैव लर्न समर इसमें से कौन से कौन से सोर्सेस है वेल well है रेन है टैप है एंड हैंड पंप है ये सबसे हमें पानी मिलता है तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं दूसरे पेज पे लुक एंड टिक यहाँ भी हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं और वो पिक्चर्स को हमें टिक करना है टिक राइट द एक्शंस That are good. जो अच्छी है, उसके बाजू में हमें राइट लगाना है, wrong, जो बुरी है उसके बाजू में हमें रॉन्ग लगाना है तो चलो देखते हैं फर्स्ट पिक्चर कौन सा है ये पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं? इसमें ये जो गर्ल है वो अपनी बॉटल में से पानी खाली करके प्लांट्स को दे रही है देखो कितनी अच्छी बात है ये पानी वेस्ट ना हो इसलिए बॉटल का पानी वो अपने गार्डन में प्लांट्स को दे रही है तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई तो इसके बाजू में हम करेंगे राइट ऐसे क्योंकि ये तो गुड एक्शन है है ना अभी दूसरा पिक्चर देखते हैं ओहो ये बॉय तो क्या कर रहा है ही ब्रशिंग हिस टीथ पर देखो उसने अपना नल खुला रखा है तो कितना पानी वेस्ट हो रहा है पूरा पानी वेस्ट हो रहा है तो जब भी आप ब्रश करो आपको टैप बंद कर देना है यूज करके पानी यूज करके तुरंत ही टैप बंद करना है नल बंद करना है ताकि पानी वेस्ट ना हो तो ये तो गलत बात है इतना पानी वेस्ट करना देखो तो इसके बाजू में हम रॉन्ग करेंगे ऐसे क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है है ना ये तो बैड एक्शन हुई पानी वेस्ट करना ओके नाउ वी लुक एट द थर्ड पिक्चर ये गर्ल क्या कर रही है अपनी बॉटल से पानी फेंक रही है देखो नीचे ग्राउंड पे फेंक रही है तो ये तो गलत बात है ग्राउंड पे हमें नहीं फेंकना है इससे अच्छा वो प्लांट्स को देती पानी है ना तो ये तो गलत बात है इसलिए हम उसके बाजू में रॉन्ग करेंगे पानी हमें बिल्कुल फेंकना नहीं है हमें वेस्ट नहीं करना है पानी तो इसके बाजू में आप भी रॉन्ग करो और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर ये पिक्चर में हम देखते हैं ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है देखो बाहर बारिश का जो पानी है उसे वो बकेट में इकट्ठा कर रहा है पानी भरने के लिए उसने बाहर बारिश में अपनी बकेट रखी है वो बकेट भरने के बाद वो पानी अंदर लेके आएगा और वो पानी यूज करेगा तो वो पानी सेव कर रहा है तो ये तो हो गई अच्छी बात है ना तो इसके बाजू में भी आप करेंगे राइट ऐसे तो यहाँ पे हमने सीखा कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है उसका करेक्ट यूज करना है आप भी जब स्कूल से वापस आओ तो बॉटल का पानी फेंकना नहीं है उसको प्लांट्स को दे देना है ऐसे मिट्टी में नहीं डालना है है ना? और जब भी आप ब्रश करो या नहाओ तो पानी वेस्ट न हो ऐसे यूज करना है है ना? और जो रेन का वाटर है वो भी हमें उसको ध्यान से बकेट में भर देना है ताकि हम पानी रीयूज़ कर सके है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज वॉच द राइम सिंग अलोंग विद एक्शंस। ये एक राइम है किसकी है एक उसी कैट की है, है ना और वो क्या है वेल में गिरती है उसके बारे में ये पोयम है चलो हम गाते हैं पोयम का नाम है डिंग डोंग बेल क्या है पोयम का नाम डिंग डोंग बेल तो चलो पोयम बोलते हैं डिंग डोंग बेल पुस इज इन द वेल हु पुट हर इन लिटिल टॉमी थिन हु पुल हर आउट

बकेट में डाल के वेल में डाला है तो किसने डाला है वेल में? Who put her in? Little Tommy thin. जो है पतला वाला उसने उसको अंदर डाल दिया है और फिर उसको बाहर किसने निकाला तो वो एक लिटिल टॉमी स्टार्ट मतलब एक छोटा सा दूसरा टॉमी है उसने उसको बाहर निकाला और कहते हैं वॉटर नॉटी बॉय वॉज मतलब ये कितना शैतान है कि छोटी सी पुसी कैट को ड्राउन करने की कोशिश कर रहा है है ना तो ये एक पोयम है उसी कैट के बारे में ओके चिल्ड्रन नाउ टेक आउट योर हेल्लो कलर्स और हम थोड़ा कलरिंग करने वाले हैं तो ओपन टू पेज नंबर फोर हम करेंगे हाउस बोट में कलर सो फर्स्ट राइट डेट एंड सी डब्ल्यू ऑन टॉप दिस इज अ हाउस बोट ये क्या है एक हाउस बोट है फिल द कलर नीटली एज शोन हमें इसमें अच्छे से कलर करना है तो आपको पता है हाउस बोट कहाँ पे चलती है हाउस बोट पानी पे चलती है और उसमें अंदर एक छोटा सा हाउस होता है उसमें रह के पानी में ही रहते हैं वो लोग और वो बोट पानी पे चलती है तो उसे कहते हैं हाउस बोट तो चलो उसमें कलर करते हैं ये है हाउस और नीचे बोट हाउस में कलर करना है पहले हम शुरू करेंगे रेड कलर से ओके यहाँ पे हमें रेड कलर दिया है इसलिए हम शुरू करेंगे रेड कलर से बिल्कुल भी बाहर ना जाए ऐसे आपको कलर करना है ओके तो ये है एक हाउस बोट हमने रेड कलर यहाँ फिलअप कर दिया आप लोग भी मैडम के साथ कर रहे हो ना वेरी गुड नाव यहाँ पे नीचे करेंगे येलो कलर यहाँ पे कौन सा कलर करेंगे येल्लो कलर सो so, आप लोग भी येल्लो कलर शुरू कर दो ओके okay? बिलकुल बाहर ना जाए लाइन्स के अंदर करना है ये हो गया हमारा येलो कलर कंप्लीट और अभी हम यहाँ करेंगे ब्लू कलर देखो यहाँ पे करेंगे ब्लू कलर सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर हम यहां से शुरू करते हैं ब्लू कलर देखो ये हो गया हमारा ब्लू कलर भी कंप्लीट हमने हमारी हाउस बोट को पूरा कलर कर दिया देखो और ये कहा है पानी में है ना और यहां पे है हिल्स आपको हिल्स दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन कलर की है ना ओके चिल्ड्रन सो वी हैव कंप्लीटेड अवर कलरिंग एंड नाउ We meet in our next class. Bye bye.